हाय फ्रेंड्स, आज फिर से मैं एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने आया हूं और ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, ये टाइम एंटेंस है। टाइम एंटेंस बहुत से छात्रों को हमेशा से एक प्रॉब्लम रहा है, क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ाया हूं, कोचिंग पढ़ाया हूं और स्कूल में भी कॉलेज में भी पढ़ा हूं, और मैंने देखा है कि अधिकतर लोग काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं इसके बारे में। तो मैं कुछ बेसिक चीज़ें जो टाइम एंड टेंस के होते हैं उसे मैं क्लेरिफाई कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले आप समझें कि हिंदी ग्रामर के हिसाब से इंग्लिश ग्रामर नहीं लिखा गया है, ना ही इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से हिंदी ग्रामर लिखा गया है। और हम लोग का मेन समस्या ये है कि शिक्षक के साथ साथ छात्र भी इंग्लिश ग्रामर को हिंदी ग्रामर के परिप्रेक्ष्य में समझना चाहते हैं। मेन मिस्टेक यहाँ पर है। और हम हमेशा चाहते हैं कि कुछ भी अंग्रेजी सीखें तो हिंदी के नज़र से सीखें। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि टाइम एंड टेंस को इंग्लिश के ही परिप्रेक्ष्य में समझा जाए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टाइम एंड टेंस यानी समय और काल में हमेशा तीन भेद होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो आज मैं शुरू करने वाला हूँ प्रेजेंट के चारों टेंस के बारे में समझने का। तो सबसे पहले रूल नंबर वन है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट मीन्स व्हाट? जब भी किसी व्यक्ति का हैबिट की बात करें, जैसे आप डेली स्कूल जाते हो, सीता अपने बच्चे को स्कूल भेजती है, मैं शाम को टहलने जाता हूँ, ये मेरा क्या हैबिट है? हैबिट हो या किसी भी प्रकार का यूनिवर्सल ट्रूथ अर्थात शाश्वत सत्य हो, जैसे सूरज पूरब में उगता है, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है। तो जब भी आप किसी प्रकार का हैबिट की बात करें या यूनिवर्सल ट्रूथ का या एग्जियोम का, कहावत का, तो आप हमेशा याद रखिए कि आपको कौन सा टेंस यूज करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, दैट सिंपल। और इसका स्ट्रक्चर बनावट क्या होता है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को डालना होता है, फिर वर्ब वन। वर्ब वन का मतलब है दुनिया में जितने भी वर्ब हैं सब ओरिजिनल फॉर्म में वी वन कहलाते हैं या प्लुरल फॉर्म, गो, प्ले, डांस, लाइक दैट। और अकॉर्डिंग टू सेंस समटाइम्स वी ऑल्सो यूज V5, दैट इज एस और ES, गोज, डांसेस, प्लेस, है ना। उसके बाद क्या लगता है? ऑब्जेक्ट। आसान है? अर्थात जब भी कोई प्लुरल की बात हो तो हम लोग V1 लगाते हैं, सिंगुलर की बात हो तो एस या एस लगाते हैं, है ना। अब यूजेज क्या है, कहाँ यूज करेंगे? तो कुछ वर्ड्स है जो हमें हेल्प करता है। मान लिया किसी वाक में क्या हो, यूजुअली मीन्स व्हाट? हैबिट। या कोई बोल रहा आई ऑलवेज गो देयर, इट मीन्स व्हाट? ही इज टॉकिंग अबाउट हैबिट। और ये बात करता है मान लिया वंस अ वीक, यानी क्या? सप्ताह में एक दिन। क्या है भाई? हैबिट, हाँ या नहीं? या फिर क्या बोलता है कि मैं वहाँ डेली जाता हूँ, क्या बात कर रहा है? डेली, हाँ या नहीं? वीकली जाता हूँ, ईयरली जाता हूँ, ऑफ्टेन जाता हूँ, ऑफ्टेन हो, है ना। ये सारी चीज़ें आप, ये वर्ड्स जो है एडवर्ब्स है, इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड व्हिच टेंस शुड बी यूज्ड। तो फिर से समझ लें, सिंपल प्रेजेंट का मतलब है जहाँ भी आप हैबिट की बात करें, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें, आपको ये टेंस लगाना है। आप बढ़िया से समझे, अगर आप बोलना चाहते हैं कि आई ऑलवेज प्ले, ओके, तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं? इट्स योर हैबिट, है ना, आप हमेशा खेलते हो। ही डांसेस मीन्स व्हाट? उसका हैबिट है डांस करने का, हाँ या नहीं? द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसका मतलब सूरज का राइज होना क्या है? हैबिट है। तो आप मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे कि सिंपल प्रेजेंट का टेंस वही स्थिति में करते जहाँ कोई हैबिट हो या यूनिवर्सल ट्रूथ। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सिंपल कंटिन्यूअस का। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जब हम लोग ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो वर्तमान में क्या हो, कंटिन्यू हो, वर्तमान में क्या हो, जारी रहे, हाँ या नहीं? कोई काम चल, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, आप YouTube देख रहे हो, आप मुझे पसंद कर रहे हो, आप अंग्रेजी समझ रहे हो, क्या है? वर्तमान में काम चल रहा है। स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले आप सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद सेंस के अनुसार से आप किसका प्रयोग करेंगे, इज, आर, एम का, और वर्ब के साथ फोर लगाएंगे, वी फोर मीन्स आईएनजी, गोइंग, प्लेइंग, डांसिंग, और उसके बाद क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट करेंगे, है या नहीं? अब यूजेस कहाँ है भाई, कहाँ यूज़ करेंगे? अब जैसा मैंने कहा, कोई भी वाक्य जिससे पता चले हैबिट नहीं, वर्तमान में काम चल रहा है। जैसे आप बोल सकते हैं कि राधा हर दिन फुटबॉल खेलती है किंतु आज क्रिकेट
खेल रही है या नहीं। जैसे मैं हमेशा अंग्रेजी बोलता हूँ किंतु अभी हिंदी बोल रहा हूँ, दैट्स अ डिफरेंस, है ना। तो यूजेस का मतलब है जहाँ वाक में आपका किसका प्रयोग हो, नाउ मीन्स अभी, या फिर क्या हो, एट प्रेजेंट, इसका मतलब भी क्या हो, अभी, या फिर एट दिस मोमेंट, इसका मतलब भी क्या हुआ, अभी। ये तीन चीज़ें आपको बताता है कि वर्तमान में काम हो रहा है। जैसे मान लें अगर मैं बोलूं आई प्ले, है ना, आई प्ले मीन्स व्हाट, ये मेरा हैबिट है। और अगर मैं अभी बोलते वक्त खेल रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, आई एम प्लेइंग, ठीक है। और ये भी हेल्प करता है अगर आप एडवर्ब देखें तो, अगर आप यूज करते हैं आई प्ले डेली मीन्स व्हाट, हैबिट, और आई एम प्लेइंग क्या, नाउ, दैट्स इज द बेसिक डिफरेंस। कोशिश कीजिएगा कि जब आप अंग्रेजी सीख रहे हो खास करके ग्रामर, तो आप हिंदी के परिप्रेक्ष्य में ना समझें। मैंने कोशिश किया ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी कम बोलने का, यानी ग्रामर कम प्रयोग करने का, है ना। इस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बात करता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब परफेक्शन, इट मीन्स द वर्क हैज़ कम्प्लीटेड, यानी काम क्या हो गया, काम समाप्त हो गया। पहला वाक बोलता था मैं जाता हूँ मीन्स व्हाट, हैबिट, मैं जा रहा हूँ वर्तमान में काम चल रहा है, मैं जा चुका हूँ मतलब काम समाप्त। तो जब भी आपको लगे कि काम परफेक्ट हो चुका, कंप्लीट हो चुका, इन दैट केस वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट। स्ट्रक्चर भी बहुत आसान है, पहले आपको सब्जेक्ट देना होगा और सब्जेक्ट के साथ आपको हैज़ या हैव, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा, है ना। यूजेज, यूजेज की बात करते हैं। यूजेज यानी अगर किसी वाक में क्या लगा हो, ऑलरेडी हो, ऑलरेडी का मतलब काम पहले ही समाप्त हो गया है या नहीं, या फिर क्या हो, जस्ट हो यानी अभी तुरंत तुरंत, या फिर कभी कभी लोग जस्ट नाउ भी लगाते हैं, या फिर क्या हो, येट हो, एवर या फिर नेवर, है ना। जैसे मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ मीन्स वर्क इज फिनिश्ड, आई हैव जस्ट फिनिश्ड, ओके। सो सब्जेक्ट यानी पहले आई, आई के साथ क्या होगा, हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड मीन्स व्हाट, मैंने खा लिया, खत्म, समाप्त। वह नाचती है, सी डांसेस, दैट इज व्हाट, हर हैबिट। वो नाच रही है मीन्स द वर्क इज गोइंग ऑन एट प्रेजेंट, सो वी मस्ट यूज सी इज डांसिंग, और वो अब आना बेकार है क्योंकि सी हैज़ डांस्ड, मतलब उसका नाचने का काम समाप्त हो गया। आसान है, विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ वी मूव टू द लास्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। थोड़ा नाम पर ध्यान देना बॉस, यहाँ पर परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, आप इसको समझिए। परफेक्ट का मैंने बताया काम समाप्त हो गया, कंटिन्यूअस का मतलब काम जारी। तो भाई इसका नाम क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका मतलब क्या काम खत्म हो गया या जारी है, दोनों कैसे हो सकता है, थोड़ा नाम को समझिए। जैसे एक उदाहरण मैं ले रहा हूँ कि वह 10 वर्षों से स्कूल जा रहा है, सही है, 10 वर्ष से स्कूल जा रहा है, अच्छी बात है। कितना दूर स्कूल है कि अभी तक 10 साल से जा ही रहा, अभी तक पहुँचा ही नहीं, रास्ते में इतना दूर नाम लिखाने का फ़ायदा भी नहीं। तो आप कहेंगे नहीं सर ये बात नहीं, आप कहेंगे कि वह 10 सालों से स्कूल जा रहा, यानी कि स्कूल जाता है वापस आता है, स्कूल जाता है फिर वापस आता है, यानी स्कूल जाने का काम हर दिन पूरा हो रहा है, यानी हर दिन परफेक्ट हो रहा है, और स्कूल जाने का काम पिछले 10 साल से जारी है। दैट्स वाई दिस सेंटेंस नेम इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इज दैट क्लियर। स्ट्रक्चर में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, चूंकि काम परफेक्ट का है तो परफेक्ट में अभी क्या सीखा था हमने, हैज या हैव, और कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी देना है तो डायरेक्ट हैज हैव के साथ हम वी थ्री लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर लगेगा बिन, उसके बाद आप वी फोर लगाइए अर्थात आईएनजी लगाइए, फिर लगाइए ऑब्जेक्ट, इज द क्लियर। यूजेज केवल दो ही है, अगर वाक में आपको क्या दिया हो, सिंस या फॉर, इसके साथ किसका प्रयोग होता है, टाइम का। जैसे मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूँ, आई उसके बाद क्या होगा, हैव उसके बाद क्या होगा, बिन, पढ़ना का रीड, आईएनजी, रीडिंग, है ना, 4 बजे से। अब पीपुल ऑफ्टन गेट कन्फ्यूज वेदर टू यूज सिंस और फॉर, अभी मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, है ना। उसके बाद सीता 2 घंटे से पढ़ रही है, सी
हैज बीन पढ़ रही है, दैट इज कॉल्ड रीडिंग. एनी प्रॉब्लम? नो. नाउ आई मस्ट क्लेरिफाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंस और फॉर, है ना. सिंस याद रखिए, सिंस का मतलब कहाँ होता है, जहाँ पर आप टाइम को पॉइंट कर रहे हो, है ना. और फॉर वहाँ होता है जहाँ आप पीरियड को पॉइंट कर रहे हो. मतलब समझ जाइए, अगर कोई बोल रहा है कि 4 बजे से, तो आपको तो क्लियर है कब से शुरू हुआ, 4 बजे से, सो देर मस्ट बी सिंस 4 o'clock. सुबह से सिंस मॉर्निंग, जनवरी से सिंस जनवरी. लेकिन आपको कोई बोलता है 2 घंटे से, तो भाई क्या पता 3 बजे से ना 4 बजे से. तो ये पीरियड पता है, 2 घंटा यानी 2 घंटे से, तो क्या होना चाहिए, 4 to 2 hours. 4 महीनों से, मतलब कौन सा महीना पता नहीं, क्या करेंगे, 4 months. जनवरी से, वी आर श्योर जनवरी से, तो सिंस जनवरी. और अगर बोले 5 सालों से, पता नहीं कौन सा साल, 97 था ना 2005 था, पता नहीं, सो वी मस्ट यूज 4 5 months. लेकिन बोले 2003 से, तो क्लियर है क्या होगा, सिंस 2003. सो आई थिंक यू हैव गॉट समथिंग इम्पॉर्टेंट. अगर आपको अच्छा लगे कॉमेंट जरूर करेंगे, ताकि मैं जल्दी ही इसका दूसरा और तीसरा पार्ट बना सकूँ. धन्यवाद. थैंक यू.